हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्च सो आज है डे दे 177 डेली फार्मा एम सी डोज सीरीज़ का जिसमें हम डेली के 50 एम के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि आपके डिफरेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ले जाते हैं एंड सभी फार्मेसी रिलेटेड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं तो ये क्वेश्चन आपके डिफरेंट आने वाले एग्जाम्स जैसे कि आपका डी ट्री प्लस वी फार्मास का रहेगा रेलवे फार्मासिस्ट का है झारखंड फार्मासिस्ट या हरियाणा फार्मासिस्ट का है तो उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये क्वेश्चन आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथ ही साथ आपका डी फार्म एग्जिट एग्जाम भी आने वाला है अक्टूबर में तो उसके लिए भी ये क्वेश्चन जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से सो so, पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड डोजेज फॉर्म इज़ यूज टू डिलीवर ड्रग्स टू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इनमें से कौन सी लिक्विड डोजेज फॉर्म जो है आपकी यूज़ की जाती है ड्रग को डिलीवर करने के लिए कहाँ पे रेस्पिरेटरी ट्रैक में सो so, ये आपकी डोजेस फॉर्म रहती है नेबुलाइज सॉल्यूशंस सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है कोकोआ वाटर इज अ फैट ऑप्टेन फ्रॉम सो कोकोआ वाटर एक फैट है जो कि आपका ऑप्टेन होता है थियोब्रोमा कोकोआ से एंड उसका जो रोस्टेड सीड पार्ट रहता है वहाँ से इसको ऑप्टेन किया जाता है रोस्टेड सीड से सो so इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश कंपैटिबिलिटी मे बी करेक्टेड बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग सो मिक्सिंग के ऑर्डर को चेंज करके किस टाइप की कंपेटिबिलिटी को जो है वो करेक्ट किया जाता किया जा सकता है सो so, इसमें आपकी जो टॉलरेटेड इनकम्पेटिबिलिटी रहती है उसको करेक्ट किया जा सकता है बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेम्परेचर एट विच टू कंजुगेट सोल्यूशंस मर्ज इंटू वन अनदर टू फॉर्म वन लेयर इज़ कॉल्ड सो एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे दो कंजुगेट सोल्यूशन जो है वो मर्ज होकर के मर्ज होते हैं एक दूसरे में एंड एक सिंगल लेयर जो है वो फॉर्म करते हैं उस टेम्परेचर को कहा जाता है अपर कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रक्चर्ड व्हीकल इज इंक्लूडेड इन द फॉर्मुलेशन ऑफ अ सस्पेंशन इन ऑर्डर टू स्ट्रक्चर्ड व्हीकल को फॉर्मुल सस्पेंशन uh, में किस लिए ऐड किया जाता है स्ट्रक्चर्ड so व्हीकल जो है वो आपके सेडिमेंटेशन को प्रिवेंट करते हैं सेडिमेंटेशन नहीं होने देते हैं सो so, इसके लिए स्ट्रक्चर व्हीकल को इंक्लूड किया जाता है सो so, इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोटेंशियल बिटवीन द सर्फेस ऑफ द टाइटली बाउंड लेयर एंड द इलेक्ट्रो न्यूट्रल रीजन इज नॉन एज सो टाइटली बाउंड लेयर का जो सर्फेस होता है एंड अलेक्ट्रो न्यूट्रल रीजन होता है उनके बीच का जो पोटेंशियल रहता है वो आपका पोटेंशियल कहलाता है जीटा पोटेंशियल सो so, इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर्स इज यूज टू डिटरमाइन द पार्टिकल साइज बाय ग्रेविटी सेडिमेंटेशन मेथड। ठीक है इनमें से कौन सा ऑपरेटर्स जो है वो आपका पार्टिकल साइज डिटरमाइन करने के लिए यूज होता है एंड ग्रेविटी सेडिमेंटेशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है तो so, ये आपका ऑपरेटर्स रहता है एंडरसन पिपेट ऑपरेटर्स सो ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलिंग इज़ अ टाइम डिपेंडेंट नॉन न्यूट्रोनियन मटीरियल टाइम डिपेंडेंट है और नॉन न्यूट्रोनियन मटीरियल है सो so ये आपका कौन सा रहता है इट इज़ रियोपेक्टिक सो ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ चिलेट इनमें से चिलेट का एग्जाम्पल कौन सा है सो so चिलेट में आपका हेमोग्लोबिन इसमें से रहेगा तो हेमोग्लोबिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ चिलेट सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है द so, प्रोसेस इन विच द वेपर मॉलिक्यूल्स आर रिकैप्चर्ड बाय द मॉलिक्यूल्स एट द लिक्विड सर्फेस इज कॉल्ड सो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो आपके वेपो मॉलिक्यूल्स हैं उनको रिकैप्चर किया जाता है उन मॉलिक्यूल्स से जो कि आपके लिक्विड सर्फेस पे हैं सो so, इस प्रोसेस को कहा जाता है कंडेंसेशन सो ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्लीनिंग एक्शन ऑफ सॉप्स एंड डिटर्जेंट्स इज़ ड्यू टू तो सॉफ्ट एंड डिटर्जेंट्स का जो क्लीनिंग एक्शन होता है वो किसकी वजह से होता है तो इट इज़ ड्यू टू सरफेस टेंशन किसकी वजह से होता है इट इज़ ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है रिनोल्स नंबर डिपेंड्स ऑन सो रिनॉल्स नंबर जो है वो आपका एक डायमेंशनलैस नंबर होता है एंड ये आपका लिक्विड की विस्कॉसिटी पे डिपेंड करता है सो so, इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ़ द फॉलिंग यूज एट्रीशन ऑनली ठीक है इनमें से कौन सी मिल जो है वह सिर्फ अट्रीशन प्रिंसिपल को यूज़ करती है सो so, ये आपका रहता है रोलर मिल सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट बाकी बॉल मिल एंड फ्लूड एनर्जी मिल ये इम्पैक्ट एंड एट्रीशन दोनों प्रिंसिपल को फॉलो करती हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लास कंटेनर कैन बी यूज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट आई आर रेज ठीक है glass container कौन सा ग्लास कंटेनर है जो कि आई आर रेज के अगेंस्ट जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है सो so ये आपका रहता है ग्रीन कलर्ड कंटेनर सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है स्फेरिकल ड्राइड प्रोडक्ट विद सेंट्रल होल इज प्रोड्यूस्ड बाय so, सो स्फेरिकल ड्राइड प्रोडक्ट जो है वो ऑप्टेन होता है एक सेंट्रल होल से ये आपका किस ड्रायर के थ्रू जो है वो ऑप्टेन होता है इट इज़ ऑप्टेन थ्रू स्प्रे ड्रायर ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ प्री फार्मूलेशन स्टडीज़ प्री फार्मूलेशन स्टडीज़ का प्राइमरी पर्पस क्या है तो प्री फार्मुलेशन स्टडीज़ जो भी आपका ड्रग मॉलिक्यूल होता है ड्रग सब्सटेंस होता है उसकी जो डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ रहती हैं उनको अंडरस्टैंड करना प्री फार्मुलेशन स्टडीज़ का मेन ऑब्जेक्टिव या फिर प्राइमरी पर्पस होता है तो so इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रेगुलेटरी बॉडी इन इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रूविंग क्लिनिकल ट्रायल्स ठीक है इंडिया की कौन सी ऐसी रेगुलेटरी बॉडी है जो कि क्लिनिकल ट्रायल्स को अप्रूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है सो so, ये आपकी रेगुलेटरी बॉडी है डी सी जी आई दैट इज ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है और स्टिल इज द लेटिन टर्म फॉर तो ओरिस्टल जो है वो किसके लिए लेटिन टर्म है ठीक है क्या इसका मीनिंग रहता है सो so, जो आपके एयर ड्रॉप्स होते हैं उसके लिए जो है वो आपके ओरिस्टल टर्म जो है यूज होती है सो ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्थेलमिक सोल्यूशन इज स्टरलाइज बाय सो ऑप्थेलमिक सोल्यूशन जो है उसको स्टरलाइज किया जाता है बाय बैक्टीरिया रिटेंशन फिल्टर ठीक है बैक्टीरिया रिटेंशन फिल्टर की हेल्प से ऑप्टेलमिक सॉल्यूशंस को स्टरलाइज किया जाता है सो so, इसमें आपका ऑप्शन बी एस करेक्ट देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द स्कैल्प ठीक है स्केल्प पार्ट के साथ कौन सा इनमें से एसोसिएटेड है सो रिंकल्स डेंड्रफ एक्ने प्रिकली हीट सो डेंड्रफ डेंड्रफ जो है वो आपकी स्कैल्प पार्ट हेड पार्ट पे रहती है सो so, इसमें आपका ऑप्शन बी एज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 फोर्टी प्रोहिबिट्स द मैनुफैक्चर एंड सेल ऑफ सो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट नाइनटीन के अकॉर्डिंगली किस टाइप के ड्रग्स की जो सेल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग है वो प्रोहिबिटेड है तो so, ये जो आपके अडल्ट्रेटेड और सुपुरियस ड्रग्स होते हैं इसके अलावा आपके जो मिसब्रांडेड ड्रग्स होते हैं इन सभी टाइप्स के ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग और सेल जो है वो प्रोहिबिटेड है सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है द डैश ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल्स नाइनटीन फोर्टी फाइव ऑफ इंडिया कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ डिजीजेज एंड एलिमेंट्स विच अ ड्रग मे नॉट क्लेम टू प्रिवेंट और क्योर ठीक है सो किस शेड्यूल में जो है आपकी उन डिजीज एंड एलिमेंट्स की लिस्ट दी गई है जिनको ड्रग के थ्रू जो है वो प्रिवेंट या फिर क्योर नहीं किया जा सकता है सो so, ये आपकी लिस्ट दी गई है शेड्यूल जी में शेड्यूल जे में सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द एक्सपायरी डेट ऑफ अ फार्मूलेशन इज शोन एज अगस्त 2024 ट्वेंटी इट मीन्स दैट द प्रपरेशन कैन बी यूज अप टू द सो अगर किसी भी फार्मूलेशन पे एक्सपायरी डेट अगस्त 2024 ट्वेंटी फोर लिखी गई है ठीक है तो इसका मीनिंग क्या है कि जो आपकी जो प्रेपरेशन है उसको आप यूज़ कर सकते हैं उस मंथ के लास्ट डे तक ठीक है दैट इज़ थर्टी फर्स्ट ऑफ अगस्त ट्वेंटी ट्वेंटी फोर सो इसमें आपका ऑप्शन डी एज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है द वाइस प्रेजिडेंट ऑफ द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज सो पी सी आई का जो वाइस प्रेजिडेंट है वो कौन होता है ठीक है तो वाइस प्रेजिडेंट पी सी आई का पी सी आई को सेंट्रल काउंसिल भी कहा जाता है इसका वाइस प्रेजिडेंट जो है वो आपका इलेक्ट किया जाता है बाय द मेम्बर्स ऑफ फार्मेसी काउंसिल सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट देन नेक्स्ट क्वेश्चन है The Drugs एंड मैजिक रेमिडीज़ एक्ट 1954 primarily focuses प्राइमरी regulating. ऑन रेगुलेटिंग तो ड्रग एंड मैजिक रेमडीज एक्ट किस ईयर में आया था 1954 फिफ्टी फोर ईयर भी आपको याद रखना है एंड क्या इसका प्राइमरी फोकस था क्या ऑब्जेक्टिव था सो so, इसका जो प्राइमरी फोकस था वो था मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट रिगार्डिंग ड्रग्स ठीक है जो भी ड्रग्स uh, के रिगार्डिंग मिस एडवर्टाइजमेंट है उनको रेगुलेट करना ठीक है सो so, ये इसका प्राइमरी फोकस था सो इसमें ऑप्शन सी इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म ऑफ पेटेंट इज़ वैलिड फॉर द पीरियड ऑफ ट्वेंटी ईयर्स फ्रॉम द, सो पेटेंट की जो वैलिडिटी रहती है वो ट्वेंटी ईयर्स की रहती है ठीक है एक क्वेश्चन ये बनता है दूसरा ट्वेंटी ईयर्स कब से काउंट होते हैं सो so, जब एप्लीकेशन फाइल की जाती है उस डेट से लेकर के ट्वेंटी ईयर्स तक जो है वो पेटेंट आपका वैलिड रहता है सो so इसमें आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है The seeds of the following plants are used in medicine except. So किस प्लांट के जो है इन सभी जो डिफरेंट रक्स दिए गए हैं नक्स फॉर्म का डिजिटलिस्टोफेंथस तो ये सब गोल इन सभी के प्लांट्स का कौन सा पार्ट यूज होता है सीड पार्ट यूज होता है एक्सेप्ट एक एक को छोड़ के तो so, इसमें आपका डिजिटलिस्ट जो है डिजिटलिस के लीवस जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं स्क्रोफुलरिया से फैमिली रहती है डिजिटलिस्ट पुरपुरिया इसका सोर्स रहता है एंड लीव्स पार्ट जो है वो इसके यूज़ किए जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है मीरेक्साइड टेस्ट इज़ यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ तो मीरेक्साइड टेस्ट किसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ होता है सो इट इज़ यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ़ प्योरिन अल्कलोइड्स सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट जैसे कि आपका टी कॉफी कैफिन ये आ जाते हैं इसमें प्योरिन अल्कलोइड में नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉइंग केमिकल टेस्ट इज यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ ट्रोपीन अल्कोलॉइड्स ट्रोपीन अल्कोलोइड्स की डिटेक्शन के लिए कौन सा केमिकल टेस्ट रहता है सो so इसमें आपका विटालीमोरिन टेस्ट जो है वह आपका ट्रोपीन अल्कोलोइड्स की डिटेक्शन के लिए यूज होता है सो ऑप्शन बी इज करेक्ट देन नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्सिडरी सेल्स अरेंज पैरल टू गार्ड सेल इज़ नॉन एज डैश टोमेटा तो डिफरेंट टाइप्स के आपके स्टोमेटा होते हैं तो so, ऐसे स्टोमेटा जिसमें सबसे जी सेल्स जो हैं वो पैरल में अरेंज रहते हैं ठीक है पैरल के पी से आपको याद रखना है पैरासाइटिक ठीक है so, सो इसमें आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है अगर यहीं पे राइट right एंगल पे होगा तो राइट right एंगल के लिए आपका रहेगा डायासाइटिक नेक्स्ट क्वेश्चन है हायोसाइमिन इज यूज एज सो हायोसाइमिन का यूज़ क्या है सो आईसिंग मेन आपका एज एन एंटीकोलिनर्जिक यूज़ होता है सो so, इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेयर ऑफ हॉर्मोन्स रिक्वायर्ड फॉर अ केलस टू डिफ्रेंशिएट इज सो कौन सा हारमोन्स का पेयर है जो कि रिक्वायर्ड रहता है केलस को डिफ्रेंशिएट करने के लिए ठीक है सो so, ये आपका रहता है ऑक्सीजन एंड दीज आर द पेयर ऑफ हॉर्मोन्स विच इज रिक्वायर्ड फॉर अ केलस टू डिफरेंशिएट देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हैप्लॉयड प्लांट्स कैन बी ऑप्टेन फ्रॉम तो हेप्लॉयड प्लांट्स को कहाँ से ऑप्टेन किया जा सकता है सो दे कैन बी ऑप्टेन एंथर कल्चर ठीक है कहाँ से ऑप्टेन किया जा सकता है एंथर कल्चर से एंथर एंड पोलन कल्चर से इसको ऑप्टेन किया जा सकता है सो so, इसमें आपको ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है इरीडोइड्स आर सो इरीडोइड्स क्या हैं तो इरीडोइ्स आपके मोनोटर्पींस होते हैं जिनमें साइक्लोपेंटेन साइक्लोपेंडेंसी पायरेन स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होता है सो so, इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है द एग्जाम्पल ऑफ अ ड्रग बिलोंगिंग टू द मेराइन सोर्स ठीक है मेराइन सोर्स से कौन सा ड्रग जो है वो इसमें से आ, रहेगा ठीक है सीटाराबिन चेटिन स्टर्कुलिया हैम्प सो इसमें सीटाराबिन जो है ये आपका मेराइन सोर्स से ड्रग ऑप्टेन होता है सो so, इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रैगन डॉप्स रिएजेंट डज़ नॉट गिव अ पॉजिटिव टेस्ट विद सो ड्रैगन डॉप्स रिएजेंट जो कि अल्कोलोइड्स के लिए आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होता है सो so, ये आपका किस के लिए जो है वो टेस्ट पॉजिटिव नहीं देगा तो so, मॉर्फिन है कोडीन है कैफीन है एमेटिन है तो so, कैफीन जो है कैफीन आपका प्यूरिन प्योरिन अल्कोलोइड है तो so, प्योरिन के लिए आपका ड्रैगन मेयर हैगर वैगना ये टेस्ट नहीं होते हैं कौन सा इसमें टेस्ट होता है इसमें आपका म्यूरेक्साइड टेस्ट होता है जो अभी हमने प्रीवियसली देखा सो so, इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्पनिद्रा इज़ ड्यू टू सो so, अल्पनिद्रा जो है वो किसकी वजह से होती है ठीक है कौन इसमें रिस्पॉन्सिबल रहता है ठीक है ये आपका फार्माकोग्नोसी से क्वेश्चन है जो आपकी आयुर्वेदिक या हर्बल ड्रग्स रहते हैं उनके बेसिस के ऊपर सो so, इसमें आपका जो वात पित्त कफ तीन आपके मेन फैक्टर्स रहते हैं उसमें से वात वात जो है वो आपका अल्प अल्प निद्रा के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सो so, इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है नित्याग इन आयुर्वेदा इज मैंशनड एन सो आयुर्वेदा में नित्याग को कैसे मैंशन किया गया है सो so, नित्याग इज मैंशनड एज आयु पर्याय एंड कलवेरा सो so, इसमें आपका ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच केमिकल कंस्टेंट ऑफ हैना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलरिंग प्रॉपर्टीज हैना में कौन सा केमिकल कंस्टेंट होता है जो कि हैना में कलरिंग प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है सो so, ये आपका केमिकल कंस्टेंट होता है लॉस सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर द फॉलोइंग प्रजेसिस स्किन लाइटनिंग एंड कूलिंग प्रॉपर्टीज तो स्किन लाइटनिंग एंड कूलिंग प्रॉपर्टीज किस ड्रग में रहती हैं तुलसी कुकुम्बर चंदन नीम ठीक है तो स्किन लाइटनिंग एंड कूलिंग प्रॉपर्टीज़ ये दोनों प्रॉपर्टीज आपकी चंदन में जो हैं वो है वो प्रेजेंट so, होती हैं तो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल इन्ग्रीडियंट्स इम्प्रूवस गैस ट्रो इंटेस्टनल हेल्थ एंड ऑल्सो कैल्शियम ऑब्जॉर्ब्शन ठीक है इनमें से कौन सा फंक्शनल इन्ग्रीडियंट है जो कि गैस्ट्रो इंटेस्टनल हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है साथ ही साथ कैल्शियम की ऑब्जॉर्बेशन को भी इम्प्रूव कर देता है सो so, ये आपका फंक्शन इंग्रेडिएंट होता है फ्रक्टो ऑलिगोसेक्राइड्स सो इसमें आपका ऑप्शन सी एज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच द फॉलोइंग अमाइनो एसिड्स व सो नेम्ड बिकॉज ऑफ इट्स स्वीट टेस्ट तो ये कौन सा ऐसा अमाइनो एसिड है जिसका नाम जो है वो उसके स्वीट टेस्ट की वजह से रखा गया था सो so, ये आपका अमाइनो एसिड होता है ग्लाइसिन सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिंबल डब्ल्यू स्टैंड फॉर विच अमाइनो एसिड सो डब्ल्यू सिंबल जो है वो किस अमाइनो एसिड को डिनोट करता है सो डब्ल्यू सिंबल आपका ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड के लिए यूज़ किया जाता है सो so, इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है द एगजाम्पल ऑफ आर एन ए डिपेंडेंट डी एन ए पोलिमरेज अमंगस्ट द फॉलोइंगस सो आर एन ए डिपेंडेंट डी एन ए पॉलीमरेज इनमें से कौन सा एनजाइम है सो so, यह आपका रहता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टिज ठीक है यह आपका आर एन ए डिपेंडेंट डी एन ए पॉलीमरेज होता है सो ऑप्शन डी एज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोटीन पार्ट ऑफ एन एनजाइम इज़ कॉल्ड सो एनजाइम का जो प्रोटीन पार्ट है उसे कहा जाता है एप्पो एनजाइम सो so, इसमें आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द लाइव एटेनेटेड वैक्सीन अमंग द फॉलोइंग इसमें से लाइव एटेनेटेड वैक्सीन जो है वो आइडेंटिफाई करनी है सो so, मीजल्स आपकी लाइव एटेनेटेड रहती है पोलियो सेवीन पोलियो की दो फॉर्म होती हैं सॉल्केंड सेवीन उसमें से जो सेविन वाली है ये आपकी लाइव एटेनेटेड रहती है एंड रूबेला इज ऑल्सो लाइव एटेनेटेड वैक्सीन सो इसमें आपका ऑप्शन डी All of the above is correct. Then next question hai which of the following statement regarding Arrhenius acid is correct? So Arrhenius acid ke regarding kaun si statement inme se correct hai So according to Arrhenius theory, जो acid रहता है, वो वो होता है जो कि dissociate हो जाता है into H positive ion जब उसको water में dissolve किया जाता है. So इसमें आपका option B is correct. इसी के साथ में दो और थ्योरीज रहती हैं कि आपकी ब्राउन स्टेड लोरी थ्योरी रहती है डे एक आपकी ल्यूस एसिड थ्योरी रहती है सो so, इन दोनों की डेफिनेशन जो है वो आपको डेफिनेटली पढ़नी है देन नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बफर इज़ एबल टू रेजिस्ट पी एच चेंज बिकॉज ऑफ फिट्स सो एक बफर क्या होता है बफर है ऐसा सोल्यूशन होता है जो कि सोल्यूशन में पी एच चेंज को रजिस्ट करने के कैपेबल रहता है इतनी कैपेसिटी रखता है कि पी एच जो है वो एक सफिशेंट uh, नंबर में चेंज ना हो पाए ठीक है उसको रजिस्ट कर देता है चेंज होने के लिए ठीक है ये क्यों करता है क्योंकि इसमें आपके कंजुगेट एसिड एंड कंजुगेट बेस जो है वो प्रेजेंट होते हैं ऑफ देयर रिस्पेक्टिव एसिड और बेस सो so, इसमें आपका ऑप्शन सी एज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ इज कॉमन इन फार्मास्यूटिकल सब्सटांस इनमें से कौन सी इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी जो है वह आपकी फार्मास्यूटिकल सब्सटांसिस में कॉमनली देखी जाती है सो so, इसमें आपके डिफरेंट दिए गए हैं हैवी मेटल्स सल्फेट्स क्लोराइड्स तो इन सभी के रिगार्डिंग हम डिफरेंट लिमिट टेस्ट भी देखते हैं तो so, ये तीनों ही आपकी कॉमन इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज रहती हैं सो so, इसमें आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अवर्स करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट्स प्रिवेंट डेंटल डीके इनमें से कौन सा एजेंट जो है वो डेंटल डीके को प्रिवेंट करता है सो so, जो आपके स्टेनस फ्लोराइड है सोडियम फ्लोराइड है सोडियम मोनोफ्लोरोफॉस्फेट है ये तीनों ही ऐसे एजेंट्स हैं जो कि डेंटल डीके को प्रिवेंट करते हैं सो so, इसमें आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अवर्स करेक्ट सो इसी के साथ में हमारे आज के फिफ्टी एम सी के क्वेश्चन कम्प्लीट होते हैं सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच